हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर किचन में। आज के मेन्यू में हम बनाएंगे चाय, जो कि आज तक आपने कभी इसी तरीके से बनाकर नहीं पी होगी। साथ ही मैं बताऊंगी इस चाय को पीने के फ़ायदे। बनाने वाले हैं बढ़िया मसालेदार चाय, जो कि बाजार जैसी बिल्कुल नहीं होगी और बहुत टेस्टी लगने वाली चाय। ये हम घर पर बनाएंगे बहुत साधारण तरीके से। अपने बगीचे से मैं लेकर आई हूँ ये 5 तुलसी के पत्ते। आप चाहें तो छोटे छोटे ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें कुछ बड़े लिए हैं, 2 काली मिर्च ली हैं इसमें, और 2 साथ ही मैंने लिए हरी इलायची, 1 अदरक का टुकड़ा। आप चाहें तो इसमें 1 लौंग भी ऐड कर सकते हैं, इसमें दालचीनी भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए चाय बनाने की प्रोसेस शुरू करते हैं। बने रहिए मेरे वीडियो में अंत तक। तो पहले मैं गैस पर चाय का पानी चढ़ा देती हूँ। तो फ्रेंड, मैंने करीब 1 कप पानी इसमें चढ़ा दिया है, साथ ही मैं कर दूँगी गैस ऑन। अब मैं इसको खूब उबलने दूंगी। चाय बनाने का एक बढ़िया तरीका मैं आपको आज बताने वाली हूँ। देख सकते हैं पानी कुछ इस तरह उबल रहा है। अब मैं इसी उबलते हुए पानी में जो सामग्री है हमारी उसको डाल दूंगी। मैंने 2 हरी इलायचियों को कुछ दरदरा कूट लिया है, साथ ही 2 काली मिर्च को कूट लिया है। मैं इन सब चीज़ों को और तुलसी को डाल दूंगी चाय में। और मैं बताऊंगी अदरक को डालने का तरीका। अदरक को कूटेंगे नहीं, कूट कर नहीं डालेंगे, घिस कर डालेंगे कद्दूकस में, ताकि उसका रस जो है चाय में एकदम खुल जाए, मिल जाए। फ्रेंड, कुछ इस तरीके से मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है। साथ ही मैं डाल दूंगी अब इसको चाय में, इसे पकने दूंगी। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, साथ ही तुलसी और हरी इलायची और काली मिर्च की बहुत खुशबू आ रही है अभी से ही, तो पीने में कितनी टेस्ट होगी। साथ में डाल लेती हूँ मैं इसमें चाय की पत्ती। ये देख सकते हैं आप इसका कैसा कलर हो गया है। साथ ही मैं डाल दूंगी इसमें 1 चम्मच भर के चाय की पत्ती। आप जितना चाहें उतनी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ सिर्फ 1 कप बना रही हूँ, उसी के हिसाब से मैंने पत्ती डाली है इसमें। कुछ इस तरीके से हिला लेंगे इसको, और अब इसको खूब खदकने देंगे हम, तब तक इसका कलर छूट जाएगा। साथ ही हमारा दूध गर्म हो रहा है, दूध भी गर्म होकर तैयार हो जाएगा। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, खूब अच्छे से पक रही है हमारी चाय। साथ ही इसके बेनिफिट बहुत हैं। तुलसी के जो बेनिफिट होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। खांसी में भी इसको हम सूखा ले सकते हैं 2 बतासे के साथ। चाहे तो हम इसे चाय में डालकर फिर पी सकते हैं। खांसी या नज़ला होता है उससे भी ये ठीक हो जाता है। तो आज हम घर पर बना रहे हैं एक दिन बढ़िया चाय, एकदम बढ़िया झटपट बनने वाली और हेल्दी भी, जो सेहत रखे ठीक। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर चीनी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें जितनी ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें पिसी हुई चीनी भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ 2 चम्मच ऐड करूँगी और अच्छे से पकाऊँगी इसको। बेहतरीन कलर इसका निकल कर आया है एकदम, देख सकते हैं आप। अगर आप चाहें तो यहाँ पर सिर्फ नींबू डालकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि फैट कटने में आसानी होती है। मैं यहाँ पर ऐड करूँगी थोड़ा दूध। ये हमारे घर का भैंस का दूध है, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर चाय बनाएंगे तो इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। एक बार ट्राई करें अपने घर पर और मुझे कमेंट करके बताएं। मैं गारंटी देती हूँ इस तरह की चाय आपने आज तक नहीं पी होगी। ये इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। साथ ही फ्रेंड्स, मैं अब इसमें ऐड करने वाली हूँ 1/2 चम्मच सौंठ, जो पिसी हुई होती है अदरक सुखा के जो पीस लेते हैं कूट के, मैं उसे डाल कर यहाँ डालने वाली। ये देख सकते हैं कुछ इतनी मैं ऐड करने वाली हूँ इसमें। अच्छे से चला लूँगी इसको और खूब अच्छे से इसको मैं पका लूँगी। करीब इसे 1 मिनट के लिए पकाएंगे इस तरीके से ही। खूब अच्छे से पक रही है हमारी चाय। करीब इसको पकते हुए 1 मिनट हो गया है। बीच बीच में मैंने इसको ऐसे करके चला लिया था। अब मैं इसको सर्व कर लूँगी, यानी कि छान लूँगी। देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने कुछ इस तरीके से इसको सर्व किया है।
आप चाहें तो ट्रे या फिर किसी और चीज़ में भी रख सकते हैं। मैं साथ ही ब्रेड के साथ इसको देने वाली हूँ। आप इसको एक बार घर पर ट्राई करेंगे इस तरीके के से चाय, तो मैं गारंटी देती हूँ आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि अच्छी है या फिर बुरी है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।